أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

आज से इनशाल्ल्ल् ताली ये खुदा का लुत्फ करम है कि मुख्तसर से दुरुस् का आगाज़ हो रहा है कि जिसका ज़ाहिर है कि असल मकसद दीन से आगही और इस्लामी तलीमत से आगही है और इन ती आपके शौक़ को देखते हुए इस सिलसिले को इनशाल्ल्ला और मज़ीद जो है वो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है खुदा वंद मताल के हजूर दुआ हैं कि अल्लाह तहक़ चारदा मासूमिन आसलम हमारे इस सिलसिले को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए और अल्लाह ताला हमें ये तोहफ़ी क़ा फ़रमाए कि जो अल्लाह का कलाम है कुरानी आयत की सूरत में और मोहम्मद और आले मोहम्मद आसलम के जो अकवाल और उनकी तालीमात हैं अदीस व रवायत की सूरत में उसे हम बाकायदा एक मुस्ंद हवालों के साथ बयान कर सकें और जो असल तफसीर है और असल जो तश्र है जो बयान हुई है बेज़ुबान मासूमिन वह अब की ख़दमत में बयान की जा सके आगाज़ आज की गुफ्तु का हमने सूर नहल की आयत नंबर सेवेंटी एट से किया है कि इर्शाद ख़ुदाबंदी हो रहा है बिसमिल्लर व्ल अखरजुमबत उम्मात कुम लात आलमोन शैआा जब तुम शिकम मादर से इस दुनिया में आए हो तो तुम्हारी हालत और कंडीशन ये थी कि तुम्हें किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था व जाम उम आ व अबसारा वल अफिदा लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है लहाज़ा उसे इस हालत और कंडीशन में नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए देखने के लिए आँखें दी सोचने समझने ग़ौर फिक्र करने शनाख्त और मारफ़त हासिल करने के लिए सही और ग़लत को समझने के लिए हक़बातल को समझने के लिए तज् और तहलील की सलाहियत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें अफा दिया है यानी दिलो दिमाग और आयत का अख्तित जो है वह इस टुकड़े पर हो रहा है कि लाअकुम तश्कर तुम आए तो थे इस हालत में दुनिया में कि तुम्हें किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो कान, आंखें और दिलो दिमाग़ दिए हैं इन से फ़ायदा हासिल करने के लिए तो लिहाजा अल्लाह ताला चाहता है कि तुम इन नेमतों से फ़ायदा उठाकर कर अल्लाह का शुक्र अदा करो यानी अल्लाह ने हमें इल्म हासिल करने के लिए कान आँखें और दिलो दिमाग़ दिए हैं और जब हम इन अल्लाह ताला की दीवी नेमतों के ज़रिए जब हम इल्म हासिल कर लें तो इल्म हासिल करने के बाद हमारे अंदर जब वो गुरु व तकबर ना आए खुदा से गाफिल ना हो जाएं हम इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि अल्लाह ताला ही ने हमें सुनने के लिए कान देखने के लिए आँखें और सोचने और समझने के लिए हमें दिलो दिमाग दिया लिहाजा उसका शुक्र अदा करें लिहाजा इसमें एक नुकता और भी है कि ये जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि के, के ये आजाद जवारे इसलिए दिए हैं ताकि तुम इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो तो ये शक्र गुज़ारी का एहसास अल्लाह ताला इसलिए दिलाना चाह रहा है कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ये एहसास अल्लाह ताला इसलिए दिलाना चाह रहा है ताकि इंसान इन तीनों तीनोंवतों से फ़ायदा हासिल करे और शुक्र का मतलब ये है कि किम कराम जो बयान फरमाते हैं कि देखें हर चीज़ का एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है शक्र अदा करने के भी ये दो मरहले हैं पहला मरहला ये है कि मैं जबान से शक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शक्र कि तूने मुझे ये नमतें अदा की हैं लेकिन तमाम उलमा कराम और मुफ़रीन कुरान करीम बयान फरमाते हैं कि असल जो शुक्र की तारीफ़ और शुक्र की हकीकत है और जो असल शुक्र मानवी है वो ये है कि हमें जो नमत मिले उस नमत को मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल करना मसला अल्लाह ताला ने मुझे जो ये आज़ो जवारे दिए हैं मैं इन्हें सिर्फ़ इम मारफ़त आगही और हकीक़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल करूं, या इसके मतलब को अगर मैं थोड़ी सी और वसूत दे दूं तो ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने ये मुझे आजाज जवारे दिए हैं तो इनके शुक्र इसी सूरत में अदा किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को देखने सुनने का मुझे हुक्म दिया है तो मैं अपनी समात और बसारत से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को देखूँ और जिन चीज़ों को देखने और सुनने से अल्लाह तना किया है हराम करार दिया है मैं उन्हें हराम समझूँ और अपने कानों और अपनी आँखों को उसकी तरफ़ लेकर ना जाऊँ तो ये असल में शुक्र की तारीफ़ है और किसी भी नेमत का असल शुक्र जो है वो यही है अब जो इसी आयत के मतलब को थोड़ा सा मैं आगे आ, 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 बयान करना चाहूँ कि देखें इस आयत में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने देखने के लिए आँखें सुनने के लिए कान और सोचने समझने के लिए हमने जो दिलो दिमाग़ दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि इंसान जो है वो इल्म हासिल करे और आगही मारिफत और शनात हासिल करे और वाकन हकीक़तों को दर्क करे तो इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जो दीन का जो असल पैगाम है कुरान का जो असल पैगाम है कि इंसान के लिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी इल्म हासिल करना है कि पैदाइश के साथ ही अल्लाह ताला तज़ा जवारे को बयान करते के साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ये सारी चीज़ें इसलिए दी है ताकि इंसान हासिल करे तो आप देखें कि जब इंसान जो है वो इस दुनिया में आता है तो पैदाइश के साथ ही सबसे पहले बच्चे के सीधे कान में अजान दी जाती है और उल्टे कान में इकामत दी जाती है और बहरहाल उसके बाद जो दूसरी जो मस्बात और दूसरे रस्म व रवाज हैं वो अदा होते हैं इसी तरह आप ये देखें कि जब इसी इंसान का हमारा इंतकाल होता है तो पैदाइश के मौके पर अजान वामत और इंतकाल के मौके पर नमाज जनाज़ा तो ये सारी चीज़ें जो है वह हमें क्या पैगाम दे रही हैं कि इंसान का अव्वल भी दीन है और इंसान का अख्ताम भी दीन है यानी पैदाइश के वक्त भी हम अपने दीन का इज़हार कर रहे होते हैं अपने मज़हब का ऐलान कर रहे होते हैं तबलीग और तरवीज कर रहे होते हैं और जब मेरा इंतकाल होता है और मैं इस दुनिया से जा रहा होता हूँ तो उस वक्त भी हौसलो कफ़न और तदफ़ीन के अलावा ख़ुद नमाज जनाज़ा जो है वह इस बात का ऐलान है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस दिन पर गुज़ारी और किस दिन पर होते हुए मेरी मौत वाकई हुई है तो ये चीज़ें जो है ना यानी विलादत के वक्त की और इंतकाल के वक्त की ये ख़ुद जो है वो दीन की अहमियत और इस्लामी अहकाम की अहमियत को जो है वो उजागर कर रही है बस मैं आज की इस गुफ्तू का अख्ताम जो है वो एक आयत पे करना चाहूँगा कि सूर ज़ुमर की तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है बसमिल्लर अला ला दीन खालिस आगा रहो कि अल्लाह के यहाँ अल्ला सिर्फ़ खालिस दीन ही है तो इस आयत में जो है वो मैसेज और पैग़ाम क्या है मैसेज और पैग़ाम ये है कि मुझे मैं इस बात पर अल्लाह का शिक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह के दीन पर पैदा हुआ पैदाइश के वक्त इस तरह दीनी तलीमत और दीनी अहकाम और फराम की रोशनी में पैदाइश के वक्त जो है वो मेरा दीन से इस तरीक़े से इजहार होता है इंतकाल के वक्त जो है वो नमाज जनाज़ा ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन हमें इन चीज़ों को मदन रखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को मदनज़र रखते हुए हमें इस आयत में मौजूद इस मैसेज और पैगाम को याद रखना है कि जिस चीज़ को हम दीन कह रहे हैं क्या वाकन वही दीन है जो सूरह जुमर की तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि याद रखो कि मेरा दीन जो है वो खालिस दीन है मैंने अपने अम्बिया के ज़रिए एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया के ज़रिए जिस दीन को पहुंचाया है और आईम मासूमीन आल्लाम के ज़रिए जिस दीन की हिफाज़त की है वो दीन दिन ख़ालस है तो लहाज़ा जो है वो हमें इस बात की तरफ़ तवज्जो देनी है कि जिस चीज़ को मैं दीन कह रहा हूँ और जिन अहकाम को मैं दीन समझ रहा हूँ वो वाक़ा जो है वो ख़ालि दीन है मैं जो इबादत अंजाम दे रहा हूँ मेरा जो नजरिया तोद है नजरिया नज़रिय नब कयामत है अल्लाह का आदिल होने का नज़रिया है क्या वाकन मेरे दीन का नज़रिया खालिस है इसमें किसी तरह की बातिल की आमेजिश नहीं है या मैं जितनी भी इबादतें बजा ला रहा हूँ वो वाकन वही खालिस इबादतें हैं वैसी ही इबादतें हैं मसला नमाज के पैग़म्बर अक्रम ने यही नमाज पढ़ी थी इसी तरह रोज़ा रखा था हज के मनासिक पैग़म्बर अक्रम सल वसम ने इसी तरह अंजाम दिए थे तो आप देखें ये चार अल्फाज पर मुश्तमिल आयत का ये टुकड़ा कितना मुख्तसर है लेकिन इसमें आप पैगाम देखें कितना असासी बुनियादी और अहम तरीन है यानी पूरे वजूद को जो है वो हिला देने के लिए काफ़ी है कि मैं ये समझता हूँ मेरा यह अकीदा है कि मैं दीन मुबीन इस्लाम पर पैदा हुआ हूँ उसी पर मेरी मौत वाकई हुई है और मैं सारी ज़िंदगी दीन मुबीन इस्लाम पर अमल करता रहा हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अदीन के साथ अल खालिस लगाकर हमारी ये ज़िम्मेदारी लगा दी है कि पैदाइश से लेकर इंतकाल के वक्त तक मैं जिन अहकाम को अल्लाह का दीन समझ रहा हूँ वो वाकन अहकाम जो हैं वो वही अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने दीन भेजा था ये उसी के ही अहकाम ख़ालिश हैं इसमें किसी भी तरह की जो है वो मिलावट नहीं हुई है ये जो है वह हमारी असल ज़िम्मेदारी है हर मुसलमान और हर मोमिन की दुआों हैं कि अल्लाह ताला हमें क़रान और अहल बैत के ज़रिए क्योंकि पैगाम्बर अक्रम ने फरमाया मुसलम सबूत जो है वह हदीस है जो आ, तमाम इस्लामी मकातब के तमाम तर मतबर और मुंद जब वो किताबों में जिक्र है हदीस ैन इन्नी तारकफी को म़़लैन किताब अल्लाह वितरती के पैगम्बर रहे हैं कि मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब अब और अपनी इतरत अहल बैत मा इन तमस्क तुम बेहिमा लंग तविल्लबादी जब तक कि तुम इन दोनों से तमस्ुक और वाबसगी इख्तियार करोगे तो मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं हो गए लिहाजा अल्लाह इसी हदीस की रोशनी में दुआ गु हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान और अहले अहल बैतमलम के अकवाल की रोशनी में खालिस और सही दीन को जैसा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था और जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद आसलम ने बयान फरमाया दिन को उसी तरह समझने और उसी तरह उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इलाही आमीन या रब्बाल आलमीन والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم